गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज बाबा मारकंडा की तपोभूमि शाहबाद पहुंची। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरफ यात्रा का जोरदार स्वागत किया तो वहीं शाहबाद के लोग राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए घंटों सड़क पर खड़े दिखे। बता दें कि पुलिस के पास भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश स्थल बराड़ा रोड से नई अनाज मंडी की ओर था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी लाडवा रोड से की थी, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा ने स्थिति को संभाला, जिसके बाद पुलिस ने भी आनंद फान में यात्रा का रूट बदला और लाडवा चौक पुल के पास बैरिकेड को हटाया। वहीं इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी, महंगाई और आपस के प्यार जैसे मुद्दों को लेकर चल रही है। हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से इस यात्रा को किसान मजदूर समेत सभी वर्गों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि ये यात्रा अब जन आंदोलन बन चुकी है। ये जब से मैं साथी हूँ और बहुत जबरदस्त जन वो मिल रहा समर्थन हर वर्ग से, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी शहरी ग्रामीण सारे वर्ग जो है बढ़ चढ़ के होते हैं। तो सर ये सर एक लगता है से ये यात्रा जो है जन आंदोलन में तब्दील होगी। सर देश की राजनीति में क्या प्रभाव डालेगी आने वाले जन आंदोलन में होगी आने वाले समय में? क्या तीन मुद्दे लेके चलिए, ये बेरोजगारी और महंगाई और आपस में प्यार। सर इस यात्रा के दौरान एक कोरोना पनप गया था, अचानक ही सरकार कोरोना लेकर आई थी यात्रा के दौरान, उसका क्या कारण था पता नहीं, वो तो उनसे पूछो। हमने तो कहा था भाई कोई वो जारी करो सारे देश में जो लागू होगा हम मानेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोनीपत से साथ चल रही एक महिला ने कैंप में जाने के लिए पुलिस बल और सिक्योरिटी से अनुरोध किया। वहीं जब उसे कैंप के अंदर नहीं जाने दिया गया तो उसने मीडिया के समक्ष रोना शुरू कर दिया। यहाँ आए हैं, नौकरियों को खत्म इन्होंने कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत इन्होंने लुटवानी शुरू कर दी बीजेपी सरकार वालों ने। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी, अगर आप हमारे से नहीं मिलोगे तो मैं खुद अपने आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भारत को इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैंने 3-4 बस भर के मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते, एक शहीद की पुत्री होने के नाते अपनी शिक्षा को बचाने का काम करवाने के लिए आपके साथ जुड़ी हूँ। किसानों की महिला बन के मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। पूछना चाहती हूँ मैं भारत देश को, क्या महिलाओं के साथ पुलिस वाले ऐसा ही अत्याचार करते रहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ अपने क्या भारत जोड़ो, क्या नाम है जी आपका? मैडम क्या नाम? श्रीमती रमेश आंतिल। जहाँ भी मैंने राहुल से मिलने के लिए बोला, कहाँ से आए जी? मैं सोनीपत से आई हूँ। यहाँ क्या बात हुई मैडम आपसे मिलने? हमारे को पुलिस ने रोक रखा है, मेरे को जाने नहीं देते अंदर, और मैं इस देश के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ। महिला ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान उसके पति सतीश शहीद हो गए थे, तब से अब तक उसे कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। इसी कारण वो अपनी पीड़ा सुनाने के लिए राहुल गांधी से मिलना चाहती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस बीच जब राहुल गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस औरत को कैंप के अंदर बुलाया और गंभीरता से उसकी व्यथा को सुना। शाहबाद से राजेश नावाल्टी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।